कोरोना महामारी को देखते हुए विधायक आरिफ मसूद ने मुख्य चौराहों पर यूनानी स्वास्थ्य कैंप लगाया। इन कैंपों पर यूनानी डॉक्टर ने लोगों से सर्दी बुखार खांसी के लिए यूनानी दवाएं और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। यूनानी स्वास्थ्य कैंप में जोशांदा का वितरण किया गया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये मेरा सभी डॉक्टर यूनानी प्रोफेशनल मेडिकल एसोसिएशन से बात हुई थी और हम लोग लगातार 20 दिन से इस मेहनत पे लगे थे कि जोशांदा मिल जाए, क्योंकि अभी ये इस पीरियड में हम ये देख रहे हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो बुखार आ रहा है उसका इनिशियल पीरियड में अगर ये जोशांदा दे रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे असरात हैं और बहुत ज़्यादा शिफा अल्लाह ने उसमें दे रखी है। ज़्यादातर पेशेंट्स, इन लोगों का डॉक्टर्स यूसुफ खलील का कहना था कि ये सब इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखी है। तो एक तो अस्पतालों का वज़न कम होगा, जो महामारी अस्पतालों में पलंगों को लेकर चल रही है उसका भी असर पड़ेगा। और मैं अपनी विधानसभा में ये फ्री निशुल्क इन डॉक्टर्स की टीम के जरिए कराए दवाएं मैंने उपलब्ध कराई हैं। टीम अपनी निशुल्क सेवा दे रही है, मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा मेरी विधानसभा के लोग उठाएंगे। और ये कैंप लगातार 4-5 दिन तक चलेगा, जैसे जैसे दवाओं की अवेलेबिलिटी होती जाएगी हम बुला के जोशांदा फ्री में बांटेंगे। अभी आज 3 कैंप शुरू करें, बुधवारा सेक्टर 1 बनाया है चारों वार्डों का, एक जहांगीराबाद का जिनसी पे बनाया है और नए भोपाल का चारों वार्ड का अम्बेडकर भवन में मल्टियों में बनाया है। कोई रिस्पांस मिलता है तो आगे बढ़ाएंगे? नहीं, रिस्पांस नहीं, दवा मिलने पे रिस्पांस मिले ना मिले, मरीज तो जाहिर देख रहे हैं आप, यहीं अभी भीड़ लगी है। दवाओं की अवेलेबिलिटी हमने 20,000 पैकेट्स अभी तक तैयार करे हैं, आगे और जितनी ताकत से हमें पैकेट मिलते बन के तैयार होते जाएंगे, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।